फ्रेंड्स नमस्कार। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कब्ज के ऊपर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आप कब्ज से परेशान हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आज कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इन उपाय को करके अपने पेट की समस्या को दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपको अभी हाल ही में कब्ज बन रहा है या आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है, ऐसी स्थिति में आपको अगर आप अपना कब्ज को सही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका पेट ख़राब है तो आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, आप अधिक भोजन नहीं कर सकते और आप कुछ भी नहीं खा सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कब्ज है तो आपको स्पाइसी फूड से बचना है, आपको तली भुनी हुई चीज़ों से बचना है, स्पाइसी फूड से आपको बचना है, चाइनीज़ फूड आपको अवॉइड करना है, चाइनीज़ फूड से आपको दूर रहना है, आपको ज़्यादा प्रोटीनियस फूड, आपको ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड जैसे एग्स मांस, इनसे भी आपको दूर रहना है, चिकन वगैरह से आपको दूर रहना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर उपाय। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठ करके उठते ही आपको हल्का हल्का 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना है। आपका कब्ज़ कितना ही पुराना हो, धीरे धीरे आपको आराम मिलने लग जाएगा और आपका पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। मल त्याग की आपको जो समस्या है वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको सुबह जल्दी उठना है, उठ करके गर्म पानी पी लेना है, आपकी कब्ज की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कब्ज की समस्या बन रही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपको रात में सोते समय खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी से आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। आप बैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण को ले सकते हैं, 1 चम्मच बैद्यनाथ त्रिफला चूर्ण को आप हल्के गर्म पानी से ले सकते हैं। जब तक आपको कब्ज की समस्या है तब तक आप इसको ले सकते हैं। वैसे त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे फायदे हैं। त्रिफला चूर्ण का उपयोग करने से अगर आपके शरीर में एनीमिया हो गया, अर्थात खून की कमी हो गई है, तो त्रिफला चूर्ण के प्रयोग से खून की कमी भी समाप्त हो जाती है। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी जैसे पांडु अर्थात कि जांडिस होने वाला है, पीलिया हो गया है, तो यह त्रिफला चूर्ण आपके पीलिया को भी समाप्त कर देता है। अगर आपको बवासीर की शिकायत है, बवासीर की समस्या है, तो यह बवासीर को भी समाप्त कर देता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जितनी अशुद्धियाँ फैली है, त्रिफला में जो है आंवला हरड़ बहेड़ा का मिश्रण है, और ये आंवला हरड़ बहेड़ा का जो मिश्रण है वो हमारे शरीर से संपूर्ण अशुद्धि को निकाल देता है, अर्थात हमारे शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है और आपको हेल्दी और फिट कर देता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई हेल्थ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगले किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं कमेंट में नीचे लिख दीजिए, हमारा उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगा। चूंकि यह हमारा चैनल हेल्थ से ऊपर है तो आपको हेल्थ के ऊपर ही कमेंट्स करना है, ताकि हम दूसरा वीडियो आपकी डिमांड का वीडियो ला सके। थैंक यू।